समटाइम हम स्टक हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो चीज़ें नहीं हैं, हम कैसे करें। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले सकते हैं, आस्ता आस्ता उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल फॉर्मेट कॉमन है और बहुत ज़्यादा माना जा रहा है वो है शॉर्ट वीडियोस। आपकी वीडियो चले अचानक कुछ ऐसा है कि लोग रुक जाए, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आपने पहले 4-5 सेकंड में ऐसी बात करनी है कि अगला बंदा रुक जाए। जब तक आप खूब क्रिएट नहीं करेंगे आपका कॉन्टेंट कोई नहीं देखेगा, वो पहले सेकेंड में स्किप हो जाएगा। आई होप मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपसे करवा दिया गया होगा। आई एम अ फ्रीलांसर एंड कंटेंट क्रिएटर एंड आई ओन एजेंसी जिसमें हम वीडियो एड्स बनाते हैं। अच्छा जी, मैं आज आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ उसके 3 पहलू हैं, ठीक है। जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं आया, ना मैं किसी टॉपिक को स्पेसिफिकली डिस्कस करने आया हूँ, बस मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। That's pretty much it, ठीक है जी। आई एम अ फ्रीलांसर, मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ ऑनलाइन, और इसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। शायद आप में से किसी ने मेरी कोई वीडियो देखी हो सोशल मीडिया पर, आपने देखी है। कितने लोग मेरी सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं? से बड़े काम है। अच्छा, एनीवेज, और दूसरा ये कि हम एड्स वगैरह बनाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग डिसाइड करें कि हम कहाँ से बात स्टार्ट करें और किस पर ज़्यादा बात करें। यस, ये भी ऐड कर देते हैं, इसको हम इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं। प्रोडक्शन, यस 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 यस, शॉर्ट वीडियोस। अच्छा देखिए जी, आजकल के दौर में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। आप अपने बिजनेस में कुछ बेचना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब किसी को नहीं पता कि आपकी लक्ष्मी चौक में बेसमेंट में कहीं दुकान है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि आप 4th फ्लोर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है बिजनेस चल रहा है कैसे? ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल फॉर्मेट कॉमन है और बहुत ज़्यादा माना जा रहा है वो है शॉर्ट वीडियोज़। कितने लोग चाह रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस के ऊपर बात की जाए? प्रोडक्शन, और चलें काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, चलिए इसी पे बात करते हैं। पहले फ्रीलांसर कितने हैं यहाँ पर? आप किस किस फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? यूट्यूबर हैं आप, ठीक है। और कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर, अमेजोन सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, वेरी गुड, डेटा एंट्री, ऑडियो वीडियो। अच्छा देखें, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कैमरा है या थोड़ा बहुत लाइट का सेटअप है और सारी चीज़ें हैं? अच्छा, काफ़ी लोगों के पास है कैमरा, आपके पास यूज़ करना आता है आपके और सारा कुछ, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं चीज़ों को, मैं सबको लिंक कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप यूजली 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको सब्र चाहिए होता है स्टार्ट में। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की एक्सीडेंटली, आई वुड से एक्सीडेंटली, तो उस टाइम आई हैड नो आइडिया। मुझे शौक था ज़्यादातर वीडियो बनाने का, कंटेंट बनाने का और डिफरेंट चीज़ें करने का, ठीक है। तो मैं कहता था कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस कैमरा, हाउ कैन यू अफोर्ड दिस लाइट, हाउ कैन अफोर्ड दिस माइक, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं कॉन्टेंट बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं एक YouTube चैनल शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं जब बड़े बड़े YouTube चैनल देखता हूं तो उनके पास बड़े अच्छे कैमराज हैं, बड़ा अच्छा क्वालिटी है, सब कुछ देख के मैं कहता था आई कैंट डू दिस। देन आई रियलाइज कि व्हाट कैन आई डू। फिर मुझे याद है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो एक चीज़ में मैं अच्छा था कि मैं लाइक स्टेज शोज़ होस्ट करता था, मैं वहाँ पर प्रेजेंटेशंस देता था, वहाँ पर कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी करता था, तो उस चीज़ में मैं अच्छा था। ओके, एक स्किल हो गया। दूसरा स्किल, मुझे थोड़ा बहुत कैमरा चलाना आता था, और मैंने कोई शॉर्ट कोर्स नहीं किया बाय द वे, ठीक है। मैं शॉर्ट कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हक में भी नहीं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ लर्निंग पर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मेरे क्या क्या स्किल्स हैं। एक, मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूँ। दूसरा ये कि मुझे वीडियो चलानी आती है। तीसरा ये कि आई कैन वर्क बिहाइंड द कैमरा एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट।
तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मुझे किसी ने बोला फ्रीलांसिंग करो, मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट 3-4 मैंने ट्राई की, अपवर्क था और डेस्क था, फाइवर पर गया तो मैंने एक देखा कि एक इंडियन था वो क्या कर रहा है कि अपनी भैंस के साथ वीडियो बना रहा है। आपने किसी ने फाइवर पर देखा ये गिग? यस, मैंने इस इंडियन को देखा, उसने अपनी भैंस के साथ खड़ा है, ऐसे भैंस है उसके ऐसे हाथ रखा है, आई विल मेक योर वीडियो विद माई भैंस एंड विश यू हैप्पी बर्थडे एंड ही वॉज चार्जिंग $5 फॉर इट। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ये किस किस्म की फ्रीलांसिंग है। फिर मैंने थोड़ा और स्क्रॉल किया तो पता चला कि एक बंदा है वो ट्यूबवेल पे नहा रहा है और कह रहा है कि आई विल मेक वीडियो वाइल बाथिंग एंड विश यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी या समथिंग, कुछ भी। तो मैंने कहा ये तो बहुत सही है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की जॉब है, मुझे ये करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर लेते हैं। फिर मैंने 3-4 और देखी, उसमें कुछ कॉर्पोरेट वीडियोस आ गई, ठीक है। उसमें एक था कि आप लाइक किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओके हाय माय नेम इज दिस एंड दैट एंड आई रिप्रेजेंट दिस कंपनी, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इस कंपनी में ये है, दिस एंड दैट। तो मैंने कहा दिस इज समथिंग आई कैन डू, दिस इज समथिंग आई बीन डूइंग माई होल लाइफ इन द यूनिवर्सिटी, और तो कुछ नहीं सीखा, बस यही सीखा है, राइट। तो मैंने एक गिग बनाया, किसी दोस्त से मैंने वो खरीदा, मतलब रेंट किया एक जगह, पीछे DIY मैंने वो ग्रीन स्क्रीन बनाई, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया, और जैसे ये ट्राईपोर्ड देख रहे हैं कैमरे के साथ, ट्राईपोर्ड मेरे पास ट्राईपोर्ड नहीं था, तो मुझे याद है जब मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की तो वो जब कंस्ट्रक्शन होती है ना, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेट वर्ड नहीं पूछा, उसको हम कोड़ी बोलते हैं, राइट। क्या कहते हैं उर्दू में उसको? घोड़ी। चलो खैर, वो थी मेरे पास, मैंने उसको एज अ कैमरा स्टैंड यूज़ किया, वहाँ पर वो बिल्कुल बेसिक सा कैमरा था, हमने वहाँ पर रखा, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई, तो मैंने हाय दिस इज उमर सलीम आई विल मेक योर वीडियो एंड दिस एंड हमने बना के ना लगा दी। खैर यहाँ से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला, और एक मुझे ऑर्डर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आस्ता 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 जो है ना वो मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। अब बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ, जो लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, सम टाइम हम स्टक हो जाते हैं कि यार हमारे पास तो चीज़ें नहीं हैं, हम कैसे करें। तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले सकते हैं, आस्ता आस्ता उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वे आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, मैंने इस नई नीच को डिस्कवर किया। मैंने आप लोगों से पूछा था आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपने बताया कॉन्टेंट क्रिएशन दे रहे हैं आप, कंटेंट राइटिंग, और अच्छा जब हम फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको बताया जाता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, आप वेब डेवलपमेंट सीख लें, आप SEO सीख लें, आप मतलब दिस काइंड ऑफ स्टफ, मतलब वेरी बेसिक, हर बंदा वो कर रहा है। और जब आप जाके फाइवर पर सर्च करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर एंटर करेंगे, वहाँ पर 2.5 लाख ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हुआ है अपनी सर्विसेज देने के लिए। आप सर्च करते हैं वेब डेवलपर, वहाँ पे कोई 3 लाख वेब डेवलपर बैठे हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं इस कंपटीशन में? यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करें, यहाँ बहुत पुराने हैं, या फिर आप क्विट कर जाते हैं, राइट। सो जो मैंने वहाँ पर डिस्कवर की एक निश, उसमें उस टाइम 1000 भी टोटल लोग नहीं थे जो एक्चुअल सर्विसेज दे रहे थे, पूरी दुनिया में 1000 भी नहीं थे। तो आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा इसने मैट्रिक किया, इसने FSC की है, इसने FA की है, आप इसको ऑनलाइन कुछ फ्रीलांसिंग सिखा दे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऑनलाइन काम करना है, आपको लोगों ने कहा हमें फ्रीलांसिंग करनी है, तो क्या करें, कहाँ से स्टार्ट लें? तो उन सबको मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि अपने जो स्किल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। द वे आई स्टार्टेड, सबसे पहले मैंने अपना SWOT एनालिसिस किया कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे क्या करना आता है, एंड व्हाट आई वांट टू डू, एंड आफ्टर दैट आई कंबाइन दो स्किल्स। फिर मैं इंटरनेट पर गया, मुझे एक नीश मिली जिसमें आई कुड परफॉर्म। अगर मैं अच्छा, मैंने फाइवर पर जो पहला गिग बनाया 2015 में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बनाया था, ठीक है, वो 3 साल तक पढ़ा और उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया, राइट। सो एज सून एज आई आइडेंटिफाइड माई स्ट्रेंथ्स, मेरी चीज़ें, एंड आफ्टर दैट आई वेंट अहेड। तो जो लोग अभी स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, सोच रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सबसे पहले अपनी स्किल्स, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करें, एंड देन चीज़ों को कंबाइन करें जो जो आप कर सकते हैं, और आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह ये दौर, दिस इज़ द बेस्ट वे टू बी अलाइव। आप किसी भी दौर में किसी भी चीज़ में जा सकते हैं, राइट। तो फ्रीलांसिंग पे थोड़ी सी मैंने बात की है, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करें, किसी के कहने पर ना करें कि भाई तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो बड़ा स्कोप है, तुम ये कर लो SEO कर लो बड़ा स्कोप है। आप बिलीव करें कि आप में से कितने लोग हैं जो पेंटर बनना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, आपको ड्राइंग का शौक है, पेंटर बनना चाहते हैं, कितनी आप अर्निंग कर लेंगे पेंटिंग से, कोई आइडिया बताएं? नहीं हो सकती ना, क्या कितना कमा लेती हैं आप?
ठीक है, आपको पता है कि सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो पेंटिंग्स बिकती हैं करोड़ों रुपए में पेंटिंग, वो लोग कैसे कमा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कमा पा रहे? उसकी वजह ये है कि फील्ड का स्कोप नहीं होता, ये शाह साहब भी बहुत बार कहते हैं, बंदे का स्कोप होता है। जिस अगर आपके स्किल्स किसी चीज़ के साथ मैच कर रहे हैं, बेशक वो ऐसी है कि जिसको बंदा कहता है ये क्या है, इसमें कौन पैसे देगा, ठीक है, इसे कौन खरीदेगा, लेकिन चूंकि वो आपके स्किल्स है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो कॉम्बिनेशन एक बना हुआ है, तो इट विल वर्क। ओके, सो सबसे पहले फ्रीलांसिंग जो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, मैंने उनके लिए बताया है। अब आते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन की तरफ। आप में से कंटेंट कितने लोग बनाते हैं? आप बनाते हैं और वीडियो कॉन्टेंट अपने बिजनेस के लिए या किसी भी, ये मैं सोशल मीडिया की बात, वैसे बिजनेस के लिए अदरवाइज क्या कॉन्टेंट बनाते हैं आप? टेक्निकल चैनल है। ओके ओके ठीक है, ओके रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है, और आप? मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, मोबाइल पे, कैमरे पे, मोबाइल पे, ठीक है, और आप? सर मैं एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ह्यूमर वगैरह साथ ऐड करता हूं, एनिमेशंस के साथ, और वो कंटेंट में बना रहा हूं, कोई भी जैसे रीसेंट कोई फिनोमिना है वेरी गुड वेरी गुड, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात, क्योंकि क्लैपिंग होनी चाहिए। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं बैठे हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर अपने जो है ना ऑडियंस को बोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो स्टैंड आउट करे, आपको इसमें ह्यूमर लाजमी डालना पड़ेगा, ठीक है। चले जी, अब इसकी तरफ आ जाते हैं, जो मेन हमारा काम है, एड्स एंड प्रोडक्शन। सबसे पहले जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या किसी को चीज़ बनाना चाहते हैं, लेट्स जस्ट से मुझे कोई बिजनेस बताया, आप में से कोई बिजनेस कर रहा है? हाँ, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? स्कूल है आपका, ठीक है, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? लैपटॉप बेचते हैं, सेल परचेज लैपटॉप करते हैं। यार इनसे वापसी पे मिल के जाना है। अच्छा चले, लैपटॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लैपटॉप है आपका, आप उसको बेचना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टिकटॉक पर बेचूँ या सोशल मीडिया पर बेचूँ, लोग इसको ज़्यादातर जाने, अब क्या करेंगे उसके लिए? आपने अपने कंटेंट बनाना है, अपने लैपटॉप के लिए वीडियो स्टार्ट करनी है, कैसे वीडियो का स्टार्ट लेंगे, थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बताएं जरा। उसमें ये होगा, सबसे पहले मैं उसकी ग्राफिकेशन बताऊंगा, तो उसमें कितनी, उसमें हार्ड स्पेस उसकी बताऊंगा कि रैम वगैरह किसमें कितनी है, तो उसके यानी कि उसकी एलसीडी वगैरह उसकी जितनी है, उसका रिजल्ट है एलईडी है कि या एलसीडी लगी हुई है, उस लिहाज से सब कुछ शो करूंगा और बताऊंगा सबको, ये आपके लिए यानी कि जो स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है। कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे लोग। हाँ आप बताएं। सर उसमें सबसे पहले तो आपको बुक क्रिएट करनी है। यस वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने खुद अपने सेंस से देखना है कि आप क्या ऐसी चीज ऑफर कर सकते हैं जो कि ऑडियंस का एक पेन पॉइंट भी है। ये आप अपना लैपटॉप से, वेरी गुड, हम स्टार्ट लेंगे हुक से। थैंक यू, आप तशरीफ रखें। नोट करना शुरू करें कि जब आपने कंटेंट बनाना है या स्क्रिप्ट लिखना है तो क्या उसके जो है ना वो बेसिक फीचर्स हैं, उसके कैसे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखें हुक। अब ये हुक क्या होता है, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, टिकटॉक ने हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, ठीक है। हम ज़्यादातर हम ऐसे टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा ये क्या है, दिस इज कॉल्ड हुक, ठीक है। आपकी वीडियो चले, अचानक कुछ ऐसा है कि लोग रुक जाएं कि ये क्या हो रहा है, आप कोई ऐसी बात करें, आप कोई ऐसी हरकत करें, आप कुछ ऐसा इंट्रिगिंग बोलें कि लोग रुक जाएंगे, ये क्या करने वाले हो, ठीक है ना। जब तक आप हुक क्रिएट नहीं करेंगे आपका कंटेंट कोई नहीं देखेगा, वो पहले सेकंड में स्किप हो जाएगा, ठीक है। आप कौन सा बिजनेस करते हैं? स्कूल है आपका। आप मुझे समझ लें कि आपने अपने स्कूल को प्रमोट करना है, राइट। कोई ऐसी बात करें कि जो स्क्रॉल कर रहा है वो अचानक रुक जाए। जिस तरह अभी हुक की आपने बात की, तो स्कूल से रेलेवेंट तो मेरे माइंड में नहीं पॉइंट आया, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि स्क्रॉल रुक जाए, तो वो हम ये कह सकते हैं कि
ये वो वाली बात हो गई, वो आप कहते हैं ना एक खुददार आदमी भीख नहीं मांगता, छोटी सी अर्ज सुन लीजिए शेखुपुरे से आए पेट्रोल खत्म हो गया है, तो वो वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है। कोई ऐसी हुक क्रिएट करनी है जिससे डायरेक्ट पॉइंट पर आना है आपने। आपने वो भी पहले यूट्यूबर्स होते थे, वो क्या करते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वो जन्नतुल हलाल वो दोज़ुल हराम, वो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, अगर आप खैरियत से हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँगी, ये चैनल मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और इसी में वो पहले 3-4-5 मिनट निकाल देते थे, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज वो वॉच टाइम के लिए। फिर वो 10 मिनट ही वीडियो के अंदर दरमियान में एक छोटा सा, अगर आप ये वजीफा 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो बहारें आ जाएंगी, आप अमीर हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद फिर वो दूसरी बातें शुरू होती, अब ये नहीं चलता, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आपने पहले 4-5 सेकंड में ऐसी बात करनी है कि अगला बंदा रुक जाए, ठीक है। और कौन कौन बिजनेस कर रहा है आपसे, आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन वर्चुअल, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। आप कोई ऐसी लाइन बताएंगे जिससे आप अगले बंदे को रोक लें। एक्चुअली आर यू टायर्ड ऑफ फेलिंग योर एग्जाम? राइट। आपकी ऑडियंस कौन है, मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, बच्चे तो नहीं है? नहीं। ठीक है, जो और प्रोफेशनल वो हैं जो इंग्लिश समय लेते हैं, ठीक है। हाँ आप, ठीक है जी, बोले। इस तरह का कोई सेंटेंस होगा? हाँ, कि आप फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक बताए ना जिसकी आप तैयारी करवाते हैं कोर्स ऑनलाइन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मसलन कोई एक ACCA, यस। क्या आप ACCA करके क्या आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? ठीक है, ACCA समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है कि जिसमें आपने अपनी फील्ड बताई, एक बताया कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? यहां पे आपने अपने कस्टमर को रोक लिया, सो दिस इज कॉल्ड हुक। तो आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर हुक आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 1 पे है जी हुक। अगर आप हुक नहीं लगाएंगे, हुक पता कहां से वर्ड निकला है, वो मछली को पकड़ने के लिए हुक लगाते हैं ना आगे, जिसको मछली आती है उसको पकड़ती है फिर उसको आप खींच लेते हैं। तो आपने जैसे आप समझना कि आप शिकार पर निकले हैं और आपने मछली को पकड़ना है, राइट। सो दिस वे यू विल क्रिएट ए हुक। हुक के बाद क्या होगा? टारगेट ऑडियंस, जिसको आप पर्टिकुलर स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई मतलब से लाइक माय सेल्फ, सो आई एम मतलब गिविंग सर्विसेज रिगार्डिंग Amazon बिजनेस, सो डेफिनेटली आई विल डिसाइड कि दिस वन इज अ पर्टिकुलर यू नो द ऑडियंस आई हैव टू टारगेट देम एंड आई हैव टू गिव माय अच्छा, उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपको शायद बताना नहीं आ रहा। हुक के बाद हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपने हुक, फॉर एग्जांपल इनका था कि आप केसीसी करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, ये हुक आ गई लेट्स जस्ट से। एंड आफ्टर दैट आप उसकी प्रॉब्लम बतानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉरी हाँ हाँ, उसमें आपने मेन पॉइंट्स आपने बताने स्टार्ट करना कि प्रॉब्लम क्या है। असल में हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे, आपका मैथ अच्छा है, अगर ये प्रॉब्लम है आप कर नहीं पा रहे हैं, अगर आप बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, कोई ऐसे सर्टिफिकेशन की तलाश में है कि जिसके करके आप बाहर जाके उसका भी इतना ही स्कोप हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपके फील्ड से रिलेटेड। तो आपने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। किसी और का बिजनेस डिस्कस कर लेते हैं, और कौन कौन बिजनेस या काम कर रहा है कोई, आप अकेडमी है, कौन सी अकेडमी आप, इंटरमीडिएट और मैट्रिक वाले जो हैं वो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, ठीक है, आप उनके लिए वीडियो स्टार्ट में हुक आप देंगे, ठीक है। सर, हम स्टार्ट में हुक ये दे सकते हैं कि क्या आप बड़ी बड़ी अकेडमीज़ को 1000 रुपया देके परेशान हैं और फिर भी आपका कोर्स आपके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कम्प्लीट नहीं हो रहा है? बहुत लंबा हो गया, पहले 3-4 सेकंड के अंदर इसको ख़त्म करना है आपने, ठीक है, चले एनीवेज, ठीक है। आपने हुक ले ली, अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उनको अच्छी तालीम नहीं मिल रही, और दिस एंड दैट ब्ला 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 आएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। जब आपने प्रॉब्लम बता लेनी है, इससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम के साथ बंदा रिलेट कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हुक है, हुक दी वो बंदा रुक गया, एंड आफ्टर दैट आपने प्रॉब्लम बतानी जिससे वो रिलेट कर पाए, हाँ यार मेरी भी यही प्रॉब्लम है, राइट। जैसे वो हमदर्द आपने बताना कि यार आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते रात को वो टेली एड्स चलते होते थे, अगर आपने देखा, और रात को 12 बजे के बाद जब मैं सुबह उठता था तो मेरे कमर में दर्द होता था, आप कहते हाँ यार मेरे भी होता है, जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे गर्दन में खिंचाव फील होता है, हाँ यार मेरे, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपने प्रॉब्लम सबसे पहले डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट आपने आना है उसके
सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन के अंदर आप अपनी सर्विसेज बताएंगे, ठीक है, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप कैसे उसका सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट क्या आएगा, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड, CTA। यस यस, सॉल्यूशन के अंदर ही यूएसपी आएंगे। यूएसपी आपको पता सबको, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, राइट, वही आपने सॉल्यूशन के अंदर बताने हैं। आफ्टर दैट उसको हम बोलेंगे CTA। अब ये CTA क्या है? अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपना एड्रेस देंगे? नो नो, सर अपना मैप दे देंगे गूगल पे, वो तो देंगे, वो तो एडिटिंग के अंदर आ जाएगा सर। क्लिक टू एक्सेस, कॉल टू एक्शन है इसमें, कॉल टू एक्शन। CTA क्या है? अब ये कॉल टू एक्शन क्या है? आपने कोई ऐसी बात करनी है लास्ट में कि आपने उस बंदे को इंट्रीग करना है कि भाई आ जाओ, यस यस, आप यस लिमिटेड सीट, अगर इसको इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना, ठीक है, वो इन डेप्थ और चला जाता है, ठीक है, वो CTA, यस, आपने एंड पे उसको इंट्रीग करना, सारी बातें बता के, भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ज्वाइन अस, ज्वाइन दिस एकेडमी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको ये चार चीज़ें मेन लाजमी मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, वो एक ऑनलाइन एकेडमी थी जिसका मैं ऐड बना रहा था, मैं आपको बता देता हूँ, वो इंग्लिश सिखाते हैं लेट्स जस्ट से, ठीक है। अभी मैं हम एक मिसाल ले लेते हैं, एक कंपनी है जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो है ना वो प्रैक्टिस करवाते हैं। उन्होंने बोला कि हमें कुछ इस तरह का स्टाइल चाहिए इसमें कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, फिर उसका सलूशन है और फिर एंड पे CTA आएगा। मैंने आइडेंटिफाई किया कि आमतौर पर जो आजकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो IT प्रोफेशनल्स हैं, राइट, जिनको इंग्लिश में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, जो IT वाले लोग हैं ज़्यादातर किन से डील करते हैं? गोरे क्लाइंट से, राइट, और आपकी कम्युनिकेशन जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत, अगर आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं करते हैं, क्लोज डील सही से नहीं करते हैं, तो वो तो हाँ। तो मैंने उसमें बताया कि हाय माई नेम इज़ दिस एंड दैट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, वो गुजर जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, मैं आज आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ रोड से करोड़पति बनने की। अब लोग रुक गए हैं, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, राइट। फिर उसने बताया कि मैंने जैसे IT में स्टार्ट लिया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, मैं क्लाइंट से बात करता था, मुझे कंपनी में जॉब मिली लेकिन आई वॉज ऑन प्रोबेशन, मैं वार्निंग पर था, सेल्स नहीं जनरेट हो रही थी, फिर मैंने उसको क्लाइंट से बात करता था, कम्युनिकेशन गैप आता था, डील क्लोज नहीं होती थी, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। फिर मुझे सोल्यूशन मिला इंग्लिश यारी, मैं englishyari.com पर गया, उनकी ये लेसन्स हैं, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ऑल दैट स्टफ, राइट। फिर मुझे जो है ना मैंने वो इम्प्रूव किया, एंड नाउ आई एम अ सेल्स मैनेजर एंड आई एम दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो है वो सेल में इजाफा हो, आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सके, तो हमें ज्वाइन करें। ये था एंड पर CTA, ठीक है। तो ये ऐड एक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको 5 से 7 मिनट का टाइम देता हूँ, आप अपने अपने बिजनेस के लिए, जिनका बिजनेस नहीं भी है वो भी किसी सिनेरियो को इमेजिन करके एक छोटा सा स्क्रिप्ट तैयार करके दें, ठीक है। तो करें, स्टार्ट कर दें, कुछ करें ना, आपने इन इन इनको फॉलो करना है और कुछ तैयार करना है, बनता है ठीक है, नहीं बनता इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम मतलब इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ खड़े हैं। अपना बिजनेस या फ्यूचर में जो बिजनेस करना चाहते हैं उसको इमेजिन करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कैसे ऑडियंस को हुक कर सकता हूँ और कैसे उनको मैं इंट्रीग कर सकता हूँ और कैसे मैं अपना प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा और एंड पे CTA क्या होगा। आप ज़रा क्विक लिख दें ज़रा जल्दी इसको। थैंक यू।
जो कर ले कहा नहीं इन्फॉर्म कर दे मुझे, कर लिया आपने जी, बताइएगा। ज्वेलरी सेलिंग। वेरी गुड, ज्वेलरी सेलिंग। फैशन ज्वेलरी सेलिंग। ओके, हु है के है गर्ल्स, डू यू वांट टू हैव फैशनेबल ज्वेलरी इन ऑन लोएस्ट प्राइसेस? सेकंड प्रॉब्लम, इट्स रियली एक्सपेंसिव ऑल अराउंड। थर्ड सॉल्यूशन, वी हैव लॉन्ग लास्टिंग पॉलिश ज्वेलरी एट लोएस्ट प्राइसेस। फोर्थ सीटीए, If you want, come at our show. Very good. Clapping होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है? इन्होंने बड़े कम टाइम में एक बना लिया, हालांकि स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ा लंबा काम है, इसको दिन पूरा दिन भी लग जाता है इसको, ठीक है? वेरी गुड। और किसी ने कुछ लिखा? सर मैंने लिखा है। वेरी गुड सर, मैंने लिखा इंग्लिश की इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी हम लोग ना इंग्लिश को ना सही तरीके से बोल सके, ना अच्छे तरीके से लिख सके, क्योंकि हमको जो पढ़ाया गया था वो तो हमें अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। वेरी गुड। तो इसलिए हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है उसको आसान से आसान तक बनाने में हमने इंग्लिश डेली कन्वर्सेशन को हमने अपना इस्तेमाल भी किया, और उसमें मेरी एक्चुअली उर्दू बहुत वीक है। इट्स ओके, इट्स ओके, आप फारसी में बता देंगे मतलब। आसान बनाने के लिए सर आपका हम मुआवन हो गए, तो ये देर किस बात की, आज अपने इंग्लिश को इंग्लिश के कोर्स से सही मायनों से दोस्ती करें, इंग्लिश के साथ सही मायनों के साथ दोस्ती करें। वेरी सिटी है सब होने में नहीं था। आप तो हमारे लिमिटेड सीट्स है ना। नहीं नहीं, सीटी होता है कॉल टू एक्शन। आप हमें रात को बंद हो, हाँ, एक आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है और एक आपने सीटी देना है। अगर आप इतने मतलब मैंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हज़ारों एड्स बनाई मैंने इंडिया के लिए, तो क्या होता है कि सीमित समय के लिए ये ऑफर इतने तक कर दी गई है, राइट? मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, महदूद टाइम के लिए जो है ये इतना, थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करें, साथ में सीटी है। अगर आप चाहते हैं इसे फ़ायदा उठाना तो अभी हमारे साथ संपर्क नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट करें, और दिस एंड दैट। ओके, सो दिस वेरी गुड। और कोई जी सर, सबसे पहले तो हुक और सॉल्यूशन करता हूं, क्या आपका चैनल भी ग्रो नहीं हो रहा? जबरदस्त भी है, सॉल्यूशन भी है। और अगर आप ये वीडियो, अगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पांच ऐसे ट्रिक जिसको देखते हुए आपका चैनल 100% ग्रो होगा, एंड पे सीटी लगा दिए कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख ले तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। यार ये थोड़ा सा ना लेंथी हो जाता है, हाँ ये वाला, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं ना, 5 सेकंड नहीं, स्टार्ट में आपके ठीक है, ठीक है, ये कंप्लीट है इसमें आपने किया है। ठीक है, ओके, जबरदस्त। स्टार्ट में आपने लगा आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ये हुक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आज आपको इस वीडियो में पांच ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जो कि पूरे YouTube पे नहीं मिलेंगे। ओके, चैनल ग्रो से रहने में, ठीक है, एंड पे सीटी लगा दिया कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली है। नहीं, सीटी एंड पे आएगा। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सीटी ये होना चाहिए, कॉल टू एक्शन। हाँ हाँ ना, देखें आप, अच्छा मैं ना, मेरा एक दोस्त है असद अली टीवी, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, वो जानते हैं, वो टेक पे वीडियोस बनाते हैं, तो मैं कहता था आप लोग ये बार बार क्यों कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, व्हाई डू यू से दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है, दिस इज इरिटेटिंग, ठीक है। तो उसने बोला कि इसके ऊपर रिसर्च है कि जब आप लोगों को इंट्रीग करते हैं ना, एक चीज़ बार 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 रिपीट करते हैं तो वो लोग उस पर एक्शन लेते हैं। स्पेशली जब आप देखेंगे, आप में से जिनके बच्चे यूट्यूब देखते हैं, वो यूट्यूबर्स जो हैं वो बार बार बच्चों को कहते हैं कि यार अब तो ये वीडियो चैनल, अब तो ये वीडियो सब्सक्राइब कर दो, अब तो इसको लाइक कर दो, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, दिस वे दे बिहेव। तो वो एक रिपीटेटिव जो बिहेवियर आपके साथ, वो आप उसको, आपको मजबूर करता है कि आप उसको लाइक या सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन के अंदर तो लाजमी आना चाहिए अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ठीक है। आपका सर, वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको मतलब हुक इस तरह क्रिएट करेंगे कि आप अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो आपको बोलना हम सिखा देंगे, आइए बताते हैं कैसे, दोबारा बताइएगा थोड़ी। मतलब सर उनसे हम क्वेश्चन ये करेंगे, हाँ? क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं? अब जाहिर पढ़ तो सारे सकते हैं, तो वो आपने जो बात की कि वो इंटरलिंक होंगे, फिर हम कहेंगे कि आप बोलना हम सिखा देंगे। अच्छा, मुझे आपकी बात से ना एक बात याद आ गई कि एक बंदा गया, वो जो होते हैं ना ये ऑप्टिकल वाले, आंखों वाले डॉक्टर के पास गया, उसको जा कहता है कि डॉक्टर साहब क्या ये मैं चश्मा लगा कर पढ़ लिख सकूंगा? कहते हैं बिल्कुल पढ़ लिख सकेंगे। ला दे डॉक्टर साहब, अनपढ़ बंदे की ज़िंदगी है, ठीक है। तो आप वो बात करके आप पढ़ सकते हैं तो बोलना हम सिखाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। अगर वो पढ़ नहीं सकता फिर पढ़ तो सारी नहीं, यही तो गलत फहमी है, ठीक है।
तो एनीवेज गुड. अच्छा इसमें आपको ना थोड़ी मैं अभी एक नई तकनीक बताने लगा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, ये तरीके हैं पुराने कि आप बैठो, कॉपी पेंसिल पकड़ो, सोचो. अब सबका इतना दिमाग नहीं होता कि वो पूरा स्क्रिप्ट. ठीक है, आपने बिजनेस चलाना है, आपने वीडियो बनानी है, आपने सो काम करने हैं, और ये काम है इंटेलेक्चुअल जिसमें आप बैठ के बिल्कुल आप बैठे हो और उसमें आपका हम में से सब कोई अल्लामा इकबाल तो है नहीं जो बैठ के कुछ लिखे. अब आ चुका है AI, और AI ने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान करती है. ठीक है, जब मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था, मैं रात को स्कूल में बैठ कर उसको लिखता, पहले हुक बनाई, फिर किया सारा कुछ आफ्टर डैट. लेकिन अब AI ने हमारी ज़िंदगी कर दी है आसान. मैं हाईली रेकमेंड करूंगा जितने भी लोग हैं अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, किसी के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हैं, AI का लाजमी जो है ना इस्तेमाल करें. अब बताएं AI का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करता है? हाथ खड़ा करें, सबको पता है ChatGPT. कितने लोगों को नहीं पता ChatGPT क्या है? वो हाथ खड़ा करें ज़रा, कोई आइडिया नहीं ChatGPT क्या है? आप में से कोई एक्सप्लेन करे जिसको पता है ChatGPT क्या है. सर मैंने ना अभी कल ही ChatGPT बेसिकली एक AI टूल है जहाँ से आप कोई भी अपनी क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसका आंसर करते हो. तो मैंने सर एक ना वीडियो बनानी थी, तो मैंने उस पर लिखा कि मुझे जो है ना 50 ऐसे कोर्स दे जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो, तो उसने मुझे वो दे दिया. फिर मैंने उसको लिखा कि मुझे जो है उसको गूगल शीट में या एक्सेल की शीट में दो, तो उसने मुझे वो एक्सेल की शीट में दे दी. उन्हीं कोर्स को मैंने फिर एक कैनवा पर जाके सर वो मैं एक वहाँ पे ऑटो जनरेट होता है वहाँ पे जाके मैंने वो सारे कोर्स वहाँ पे ऐड किए और सर 10 मिनट में मेरे पास 50 वीडियोस मौजूद थे. This is AI. अगर आप खुद करने बैठेंगे जी. One example. हाँ हाँ. पहले मैं assistant अपने hire किए हुए थे काम के लिए. Okay. For example कि हमारी ये LMS है, इसके ऊपर quizzes create करने हैं courses के लिए. अब हम क्या करते हैं कि वो assistant remove हो गए, unfortunately. हाँ, अब आपकी job खा गए हैं आप. अच्छा. ChatGPT को prompt दिया, उसने बताया कि इतने quizzes इस moderate difficulty के create करो, with answer with explanation. अच्छा, अब ये नहीं, मैं वही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, जहाँ पर ये चैट नहीं, मैं बताता हूँ. ChatGPT ने यहाँ पर हमारी ज़िंदगी आसान की है, बहुत से लोगों की मुश्किल भी कर दी है. ठीक है, जैसे इनके एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, अब जॉबलेस हो गए. लेट्स टॉक अबाउट ChatGPT इन कॉन्टेंट क्रिएशन. जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, आज ही जाकर इस पर अकाउंट बनाएं, chat.openai.com. सिंपल जी. ChatGPT से मैं वीडियोस स्क्रिप्ट लिखवाता और वो सारा मुझे बताता भी है कि कहाँ पर आपने एरियल को लेना है. यस, कहाँ पर आपने जो है वो म्यूजिक थोड़ा पीछे करना है, कहाँ ऊपर करना है, कहाँ पर आपने स्टॉप. एग्जैक्टली. ChatGPT इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, अगर आपसे कहते हैं मेरी वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट लिख कर दो, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले उस सारे सिनेरियो को एनालाइज करेगा कि आप चाहते क्या हैं. आप बोलो जी मैंने एक वीडियो बनानी जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखने कितने फ़ायदे हैं. ठीक है, तो वो आपको बकायदा एडिटिंग की इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि ओपनिंग शॉट ये आएगा, उसके बाद आप खुद आएंगे, आप ये बोलेंगे, फिर आप रिमूव हो जाएंगे, आपके सामने टेक्स्ट आ जाएगा, वो यहाँ तक डिटेल आपको देता है. राइट, तो अभी ChatGPT जो है इसको आप अपना अकाउंट बनाएं आज ही, जिन लोगों को नहीं बनाया हुआ, chat.openai.com. ठीक है, इस पर अपना अकाउंट बनाएं और ChatGPT की हेल्प से आप, अब आपका क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, अपने जो है ना आप कंटेंट बना सकते हैं. अभी कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं इसको कंटेंट आपको मिल जाएगा. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप उसको चैट उस पर जाकर लिखें, क्या लिखा हुआ, जैसे आपने इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, ChatGPT भी इसको जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा. ठीक है, वो समझ जाएगा. क्या आप उसने बताना है कि मुझे स्क्रिप्ट बना कर दो जिसमें मैं इंग्लिश की अहमियत के बारे में बताऊं. वो ना सिर्फ इसको समझेगा बल्कि आपको उर्दू में, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी टेक्स्ट के अंदर उसके आपको स्क्रिप्ट मिले इसी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, तब भी आप उसको कह सकते हैं कि मुझे रोमन उर्दू में टेक्स्ट है. आमतौर पर क्योंकि ना उर्दू में स्क्रिप्ट लिख के दो, तो वो इस उर्दू में लिख कर देगा इस टेक्स्ट में. लेकिन अगर आप उसको बोलोगे नहीं मुझे
रोमन उर्दू में चाहिए या रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू आमतौर बोलते हैं, तो आपको वो इसमें देगा। मैं ज़्यादातर हिंदी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उसमें हम लिखते हैं हिंग्लिश, एक टर्म है जो कि इंटरनेट पर यूज़ होती है, तो मैं अक्सर उसको कहता हूँ मुझे हिंग्लिश में दो, वो भी रोमन उर्दू और हिंग्लिश सेम है, ठीक है, तो वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स हिंग्लिश में वो स्क्रिप्ट हमें लिख कर दे देता है, राइट। सो दिस इज़ द वे वी कैन यूज़ इट। अब आते हैं कि कंटेंट जो, चले हमारे पास कंटेंट आ गया, हमारे पास आइडिया आ गया, हमारे पास बिजनेस आ गया, कंटेंट आ गया, अब वीडियो कैसे बनानी है। अब मेन कोर्स पर आते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वीडियो बनाने के लिए, लाइटिंग, कैमरा, माइक कौन सा होना चाहिए और ऑल दैट स्टफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने सबने अलर्ट हो जाना, सतर्क हो जाएं आप, ठीक है। सबसे पहले बताएं किसके पास प्रोफेशनल कैमरा है, आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास कौन सा है? DSLR मॉडल कौन सा है? कैनन 38 तो मैंने नहीं कभी सुना, निकॉन का है, ओके 32 होगा या 52 है या 53 है, अच्छा ठीक है। आपके पास ज़बरदस्त मिररलेस और 6500 1300D, ठीक है, वेरी गुड। जब हम कैमराज की बात करते हैं, लोग मुझसे सजेशन मांगते हैं कि कैमरा कौन सा अच्छा है, तो मेरा सबसे पहला उनको सजेशन होता है आईफोन, इससे बेहतर कैमरा मैंने नहीं देखा कहीं। अब लेकिन मसला यह कि आईफोन आप लोग अफोर्ड, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हमारे पास एंड्रॉयड है। वीडियो मेकिंग के लिए मैं कभी भी चाइना का फ़ोन सजेस्ट नहीं करूँगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो आपकी असल मतलब जो है ना वो शक्ल को मार देता है, राइट। फिर आप जब किसी से रियल में मिलते हो, कहते हैं यार तुम तो वो हो ही नहीं जो नज़र आते, इतने गोरे तो आप नहीं हो, राइट। तो एक नई कंपनी, या तो आप सैमसंग लें अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, गूगल पिक्सल भी अच्छा है, और सजेशन दें वन प्लस, मैं असल में वन प्लस की तरफ आने वाला था, ठीक है। ये वन प्लस एक ऐसा फ़ोन है जो कि टक्कर दे रहा है आईफोन के कैमरे को, ठीक है, और ये अफोर्डेबल भी है बनिस्बत आईफोन के, आईफोन के तो वो पीटीए के चक्कर पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट करनी है तो आप अपने फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल कैमरा स्टार्ट में बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि आईफोन से कितना अच्छा या फ़ोन के कैमरे से कितना अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है। जी नहीं, आईफोन से अगर आपने बनाना कम से कम मिनिमम, जब आप कहें ना सुट के, कम से कम 10 तो हो, आईफोन 10 मिनिमम या इससे ऊपर, राइट, इससे नीचे तो नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, 7 का फ़ायदा नहीं है। सैमसंग का तो खैर अल्ट्रा सीरीज़ आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यह है कि कम से कम 10 सीरीज़ का हो एटलीस्ट, हाँ हाँ 10 तो हो एटलीस्ट, 10 प्लस 10 या इसके अलावा कोई, इसके आसपास। मैं स्किन आवाज़ का इशू तो नहीं आता जैसे जो है, उसकी तरफ हम आते हैं, अभी हम आते हैं, हाँ आवाज़ की तरफ, सिर्फ हम कैमरा सेलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो कैमरा जो प्रोफेशनल है, जिसको बिगिनर लेवल कैमरा बोलते हैं, दो कैमरे हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगा, दो कंपनीज हैं वीडियोज़ के लिए, पहली है कैनन, दूसरी है सोनी, ठीक है। कैनन जो है ये बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैनन से बेस्ट कैमरा कोई नहीं है अफोर्डेबल, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और अफोर्ड कर सकते हैं तो सोनी बेस्ट है अब तक। आप में से कोई बता सकता है कि कितने टाइप्स होती हैं कैमरास की? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाऊँगा, बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं, आई नो दैट। कैमरा में हम स्टफ पे बात कर सकते हैं कि आगे चलें, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं आपको थोड़ा सा, जी जी वेरी गुड। इन्होंने टाइप के लिहाज से कैमरा की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एक मिररलेस और एक है जी DSLR। DSLR स्टैंड्स फॉर एनीवन, हुज़ैफ़ा? नो आइडिया, यू आर माई प्रोडक्शन मैनेजर मैम। एक्चुअली जो आजकल की जनरेशन है जेन जी, उन्होंने डायरेक्ट मिररलेस से स्टार्ट लिया है। DSLR बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि अब एक्चुअली एब्सोल्यूट होती जा रही है, यूज़ भी नहीं, कई लोग डायरेक्ट मिररलेस पर आए तो DSLR यूज़ भी नहीं किया है।
DSLR यूज करते हैं डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस डिजिटल सिंगल. अच्छा आप इसकी डिटेल में जाऊँ क्यों इसको बोलते हैं, बस इतना बताओ इसके अंदर मिरर लगा होता है, ठीक है. लेंस से जो लाइट आती है वो सीधा मिरर से टकराती है, मिरर से ऊपर जाती है ऐसे 90 के एंगल पर ऊपर सेंसर में, और फिर आपकी पिक्चर क्लिक होती है. जो मिररलेस है उसमें डायरेक्ट इमेज सेंसर पर डलती है और वो एक वीडियो बन जाती है, ठीक है. तो मिररलेस कैमराज आई वुड सजेस्ट कि DSLR अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो उससे जान छुड़वा ले. आप में से किसी ने बताया आप यूज़ करें 1300D, ठीक है, अब स्टार्ट के लिए ठीक है वो, ठीक है. लेकिन ये कि आस्ते आस्ते जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे तो कोशिश करें मिररलेस पर आएँ. कैनन के बड़े अच्छे मिररलेस कैमराज हैं, राइट. तो आई वुड सजेस्ट मिररलेस कैमराज, और उसके पीछे रीज़न ये है कि स्मॉल हैं, शार्पर हैं, लेस हैवी हैं, ठीक है. और इसमें ये है कि हैंडल करना आसान है इसको ज़रा, ठीक है. यस, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है. तो अगर आप कैमरा ख़रीदना चाहते हैं मोबाइल के बाद तो आप स्टार्ट लें कैनन से, क्योंकि ये रिलेटिवली सस्ता है, और मिररलेस लें. अब आप पूछेंगे इसमें से कौन कौन से कैमराज हैं, उसमें से एक M50 है मिररलेस कैमरा, ठीक है. ये आप स्टार्ट के लिए ले सकते हैं. फिर इसके मार्क टू है एंड डिफरेंट कैमराज हैं, ठीक है. अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आगे चलते हैं. फिर है सोनी. सोनी आप में से 6400-6500 को यूज़ कर रहा है, ठीक है, ठीक है. अच्छा आप बताएं कि आपकी जो बॉडी है वो फुल फ्रेम है या क्रॉप बॉडी है. कोई बताएगा फुल फ्रेम क्या होता है, क्रॉप बॉडी क्या होता है. चले सिंपल वर्ड्स में कर लेते हैं, एक सेंसर छोटा होता है और फुल फ्रेम में बड़ा होता है, ठीक है जी. अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कैमरा आ गया है. अब बात करते हैं आपके वाली के माइक का क्या किया जाए, क्या सलूशन है माइक का, हमें बताएं. ठीक है, कई बंदे पहले जो कंटेंट क्रिएटर है ठीक है, अब पुराना हो गया. अब जैसे एक तो सस्ते वाला काम है तो वो के माइक से ठीक है, तो फिर वो ठीक है. सॉरी केन, हाँ वो आए जो डायरेक्ट फ़ोन के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पर लग जाते हैं. आपने टिकटॉक पर उसकी बहुत ज़्यादा एड्स देखी होंगी, वो मोबाइल के लिए यूज़ करने के लिए बेस्ट हैं. अगर आपने एक ऐसा माइक लेना है जो सस्ता हो, रिलायबल हो और मोबाइल और कैमरा दोनों के साथ चल जाए, तो वो है बोया M1. ये एक ऐसा माइक है अगर आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक, अगर आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या बेसिक कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बोया M1 स्टार्ट लेने के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन मेक श्योर कि आपको इसका अच्छे वाला वर्जन मिले, ये ना हो कि आप उसके चाइना कॉपी ले लें, ठीक है. बहुत ज़्यादा इसके आए हुए हैं. हाँ इधरा से मिल जाता है इसीलिए. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक वर्जन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सेलर कौन है. कि अब लाहौर में तो वैसे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, ये कौन सी मार्केट है, निस्बत रोड पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है. अब यहाँ से मंगवा सकते हैं, यहाँ पे मैं तीन चार दुकानदार जिनसे मैं काम करता हूँ. यस आईफोन के साथ नहीं, आईफोन के लिए आपको कनेक्टर चाहिए होगा, ठीक है. वो आईफोन एक कनेक्टर होता है, वो काफ़ी महंगा आता है. आईफोन से कोई भी चीज़ें वो महंगी होती है, वो इतना सा कनेक्टर है तकरीबन कम से कम 2500-3000 का वो होगा. अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना माइक से, एक आपको एक बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ बताता हूँ. एक चूँकि AI ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है तो मैं आपको साथ साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि हम यूज़ करते हैं ऐसे प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने वीडियो बनाई है, लेट्स जस्ट से डायरेक्ट फ़ोन से बना ली है, ठीक है, और या माइक से बनाई है और उसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एको, एनवायरमेंट का एको उसके अंदर आ रहा है, फिर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, फिर आपकी जो है ना वो प्लोसिव्स आ रहे हैं. प्लोसिव्स क्या होते हैं, ब फ, तो वो जब हवा पड़ती है तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है. आपने एक रिकॉर्डिंग कर ली इतनी मेहनत करके, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देते हैं, आप सर्वक तेरे ऑडियो तो दबा हो गई इसकी, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, तो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है, फटी हुई आ रही है. तो सारे बच्चे एक सॉरी बच्चे मुझसे भी बड़े बैठे हैं, पॉडकास्ट .adobe.com हुज़ैफ़ा यही है देखना स्पेलिंग सेम है. हाँ एनहेंस, कितने लोगों को पता है इसका, आपको पता है, तीन चार लोगों को पता है इसका, ठीक है.
podcast.adobe.com/enhance. ये एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी क्रैपी आवाज़ को प्रोफेशनल कर देता है. आप इसको नोट कर लें. आपने जाकर आज तजर्बा करना है. अपने फ़ोन से कोई आवाज़ रिकॉर्ड करनी है जिसमें बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही है. बहुत सारी जो ख़वातीन होती है अक्सर मुझे मैसेज करके बोलती हैं कि हमने वो रिकॉर्डिंग करनी है. हमारे जब वो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो आलू लै, टींडे लै, कभी छान बुरे वाला आ गया, कभी मासी की आवाज़ आ गई, बच्चा रो पड़ा, तो हम क्या करें? ठीक है, तो ये मसले मसाइल हैं. तो हाँ, मुझसे ना मैसेज करके पूछती थी, तो मैंने कहा मुझे कॉल कर लें. आप बार बार मुझे मैसेज करते हैं. नहीं सर, मैं कॉल करूँगी तो पीछे बहुत बुरी आवाज़ आएंगी. तो हैं, हाँ 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 वो तो फिर भी मर्जी रात को कर लें. हाँ हाँ, वॉचमैन ने अपने काम कर रहा है, उसल बजानी है, उसको हम रोक नहीं सकते. बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रोक लेगा. ये सॉफ्टवेयर आपके जितने भी आपके बैग, अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर है मज़े की बात, जिसमें कोई आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं. मैं अभी तक जितनी चीज़ें बता रहा हूँ टोटली फ्री हैं सॉफ्टवेयर AI के वाले से. इस पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, आपने कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है. अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. समटाइम क्या होता है कि डायरेक्ट आप अपना कैमरा ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. ऐसा ही है, आप फिर कट लगाते हैं, है यार शुरू से आता हूँ, और 10 मिनट बाद कहते हैं यार मैं ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि ये दिस इज़ रियली, अब इस पे बात भी करेंगे कैमरा फेस कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं. राइट, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. लाइक जब हम आपस में बात करें बिल्कुल नॉर्मल है, कैमरा ऑन होगा राइट. सो इस तरह की सिचुएशन कॉन्शियस हो जाते हैं, कैमरा कॉन्शियस इनको बोलते हैं. ठीक है, उस पर हम भी बात करेंगे. ठीक है, तो ये नोट कर लें, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अब बात आते हैं, अब बात करते हैं माइक्स की. स्टार्टिंग के लिए ये अच्छा है. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सिचुएशन के लिए माइक लेना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या बनाते हैं? वीडियो, इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं आप, कौन सा माइक यूज़ करते हैं? कौन सा? तार वाला. अच्छा, तार वाले के माइक को हम बोलते हैं लैवलियर माइक, लैव माइक बोलते हैं उसको, या कॉलर माइक या लैव माइक उसको बोलते हैं. ठीक है, वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट फ़ोन के साथ, DSLR के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इंडोर बनाते हैं जी. इंडोर में, आउटडोर आप इसे कोई शूट करते हैं आप? कैसे सर, रिकॉर्डिंग नहीं करता मैं वैसे. हाँ, शूट करते हैं आप. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट माइक्स होते हैं. इंडोर अगर आपने शूट करना है तो ये माइक स्टार्टिंग के लिए अच्छा है. अगर सिर्फ आपने वॉइस ओवर करना है तो आई वुड सजेस्ट कोई कंडेंसर माइक लें. ठीक है, आप नेट पर सर्च करें कंडेंसर माइक, डिफरेंट माइक्स आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं. वो कम से कम 10-12 हज़ार से शुरू कर 20-25 हज़ार तक जाते हैं. ठीक, बोया की कौन सी आपके पास? कंडेंसर माइक है कौन से? हाँ, स्टार्ट हो जाते हैं 10-12 हज़ार से, चाइना के 10-12 हज़ार के मिल जाते हैं. सबसे अच्छी कंपनी जो है इसमें वो रोड है. रोड महंगी है, वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में और क्वालिटी बहुत अच्छी है. 10-10 साल की वो वारंटी देते हैं, 10-10 साल की वारंटी देते हैं अपने वो माइक्स के साथ. लेकिन दैट इज़ वे एक्सपेंसिव. ये जो माइक लग रहा है आपके ख्याल में कितना का होगा? और इसकी अभी प्राइस जो है ना, अगर हम अभी डॉलर के हिसाब से करें तो 85,000 के अराउंड, 80 के अराउंड इसकी बनती है अगर हम इसको अभी करंट डॉलर रेट के साथ कंपेयर करें जी. ये रोड का है. ठीक है, इसको बोलते हैं रोड वायरलेस गो 2. अगर आप में से कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ये ऑल इन वन माइक. मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ. हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई अफोर्ड कर सकता है दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. अब आ जाते हैं अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर बोया का एक बड़ा ज़बरदस्त है जो आप बता रहे हैं. क्या मॉडल इसका? उसमें भी डुअल, हाँ सिंगल एंड डुअल दोनों हैं. मैं इसलिए ये सजेस्ट करता हूँ इस तरह के माइक, क्योंकि एक तो केबल की झंझट नहीं है, आप इसको इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी अच्छी आवाज़ कैप्चर करता है. बोया का आप ले सकते हैं वायरलेस माइक. ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, वो भी आई थिंक कम अज़ कम 25-30 हज़ार का होगा. फ़ोन के लिए कि उसके लिए? फ़ोन के लिए. हाँ, वो जो आप बता रहे हैं फ़ोन के लिए, वो एंड्रॉयड फ़ोन के लिए. आप एप्पल का लेंगे वो और महंगा. सेम प्राइस में है. ये है कि आप फिर वो इंटरचेंजेबल यूज़ नहीं कर सकते.
ठीक है, हाँ हाँ, या एप्पल का लेंगे या फिर आप उसका लेंगे, एग्जैक्टली ठीक है, वो अगर आप फ़ोन से बनाते हैं तो वो दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन, वो इतने का मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये माइक जो है वो माइक उसके साथ फ़ोन के साथ भी अटैच हो जाते हैं इजीली और कैमरे के साथ भी, ठीक है। माइक की बात हो गई, अब बात करते हैं लाइट की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक आम फ़ोन के साथ इतना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सम टाइम आप जिसको कैमरा चलाना नहीं आता, लाइट्स का नहीं पता, वो DSLR से भी नहीं निकाल सकता, और वो आप अभी बात कर रहे थे कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, क्वालिटी नहीं निकल रही, आप प्रोफेशनल सोनी कैमरे से भी वो रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक। अभी हम बात करेंगे लाइट्स के बारे में। लाइट्स के बारे में कोई मुझे थोड़ा ज्ञान देना चाहे, थोड़ा सा बताएं था नॉलेज जी। वेरी गुड, विंडो लाइट बेस्ट लाइट जो अब तक है ना, वो विंडो लाइट है। लेकिन अगर अवेलेबल ना हो तो फिर क्या। अब विंडो लाइट के दो नुकसान हैं, एक तो बाहर से वो आलू लाइट टिंडे लाइट भी साथ आएगा, ठीक है, दूसरा ये कि हवा भी सम टाइम आती है, राइट, तो धूप, और दूसरा नुकसान उसका ये कि वो सम टाइम वो कम ज़्यादा होती रहती है लाइट, ठीक है, कभी वो बादल आ गए कम हो गया, कभी लाइट तेज़ हो गई, तो वो बड़ा अजीब सा नॉन प्रोफेशनल लगता है अगर आप जस्ट विंडो लाइट पर रिलाय कर रहे हैं। जी सर, मेरा ख्याल है तीन बल्ब होने चाहिए, ओके, दो साइडों पे और एक आपके सारे के एक फुट आगे जो कि ऊपर से गिर रहा है। नहीं, ये सारे ये आप इन्वेस्टिगेशन करने लगे कोई। अच्छा, वो डिपेंड करता है ना कि आप करना क्या। जी यस, वही बात वही कर रहे हैं, वो जरा वो देसी जुबान में बता रहे हैं। हाँ, वो नहीं सर पे, आप वही मैं थोड़ा, वो आमतौर पे मूवीज में देखा होगा जब वो किसी के साथ वो नहीं 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 वो दूसरी बात कर रहे हैं, आपने वो देखा होगा जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना मूवीज़ में, ऊपर, हाँ, ऊपर सर पे चल रहा होता है, और उस टाइम जब लाइट ऊपर से आती है तो आपने देखा हल्का बन जाता है, ऐसे शेडोज बन जाते हैं, उसको बोलते हैं रेकून आइज, जैसे रेकून होता है ना, उसके आइज वो सर्कल बन जाता है, वो सर के ऊपर बड़ी बेवकूफ़ी है वो रखना। अच्छा हाँ, उसको ऑन पर्पज हम यूज़ करते हैं जब किसी फिल्म के अंदर कोई ड्रामेटिक सीन टेंस दिखाना हो ना, तो वो हम यूज़ करते हैं रेकून आइज़ का वाला शेड यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि हम अभी कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं उसमें वो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो थ्री पॉइंट जैसे उन्होंने बताया वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। एक ये है, सबसे पहले नोट करें लाइट आपने यूज़ करनी है, कोशिश करें एक सॉफ्ट बॉक्स मिल जाए। सॉफ्ट बॉक्स कैसा होता है किसी को पता है? ये लगा हुआ, बिल्कुल, ये सॉफ्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता ठीक है नोटिस कर लें, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बॉक्स। इससे क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर हार्ड शेडोज नहीं बनते, बड़ा सॉफ्ट सा वो स्किन आती है। हाँ, ये ऊपर जो बना इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजर। अगर हम डिफ्यूजर को उतार देंगे तो आप नोट करेंगे जब वो बल्ब चल, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये देखें बड़ा हार्ड शेडो बन रहा है ये, ठीक है, ये जो लाइट है इसमें बड़ा सॉफ्ट बनता है, वो डिफ्यूज हुआ होता है आपका साया ऐसे, यस, और आपके चेहरे के साथ वो मैच करता है, वो इस तरह किसी का मेकअप होता है, कहीं से उतर रहा है, कहीं पे शेड आ रही है, तो वो चीज़ें खत्म कर देगा, वो वीडियो में ख़त्म करेगा, जो जो अल्लाह ने कर दिया वो तो कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो उसका बंदा सबर करे। हाँ, उसमें हाँ काफ़ी हद तक ये आपके चेहरे को डिफ्यूज, लाइट को बड़ा अच्छा वो आपके ऊपर फैल जाती है और हार्ड शेडोज नहीं आते, सॉफ्ट आता है, और उसको एडिट करना भी इजी है, ठीक है। जो एडिटर्स हैं वो जानते हैं कि आप पिंपल शिम्पल रिमूव कर सकते हैं बाद में, ठीक है, ये औरतों को मैं बता बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं आमतौर पर, वो प्रोफेशनल कैमराज के अंदर चूँकि बिल्ट इन फीचर नहीं होता, तो कई औरतें बड़ी परेशान होती हैं कि यार ये नहीं सही है, फ़ोन से ही बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एनी वेज, डिफ्यूज़र की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बॉक्स। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे पहला शूट आपको बताया था मैंने किया था, वो मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स के थ्रू किया था, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो कैसा था। मैं एक अकेडमी में पढ़ाता था और वहाँ पर हमने नई LCD लगाई, तो उस LCD का जो डब्बा था ना, जो उसका बॉक्स, वो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ था। तो मैं चूँकि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, यानी मुझे इतना पता था कि मुझे सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना है, तो मेरे पास अभी भी वो मेरे TikTok पे, बल्कि शायद मैं पढ़ी अगर डिलीट कर दी, मैंने वीडियो बनाई थी, हमने वो LCD का डब्बा वो कटर के साथ काटा, YouTube से वीडियो देखी कि कैसे सॉफ्ट बॉक्स बनाते हैं, उस कार्डबोर्ड को काट कर हमने वो चार कोने बना के उसके पीछे वो जो पाइप नहीं होता, वो जो अक्सर आपने देखा को जो क्या बोलते हैं उस पाइप को, जो वो
वो एल एंगल जो होता है, जो जिससे हाँ जिससे बैंड हो जाता है वो, हाँ एल्बो 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 लगा कर नीचे पाइप लगाया। अब नीचे रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं था, तो हमारी जो डस्टबिन थी उसको खाली करके उसके अंदर मैंने वो बजरी पड़ी और उसके अंदर वो हाँ वो जब जी में पैसे नहीं होंगे, ऐसे काम करना है, पैसे नहीं है तो जुगाड़ लगाना है, ठीक है। हाँ अंदर कैसे केबल कैसे जाएगी, ठीक है। तो हमने वो काना सा लगाया उसके अंदर, एल्बो लगाई उसके साथ ही केबल और वो जोड़ के, और उसके ऊपर जो बटर पेपर होता है ना बच्चों का जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, वो एज अ डिफ्यूज़र हमने यूज़ किया, ठीक है। तो सस्ता एक सॉफ्ट बॉक्स बन गया, ठीक है। अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक अ सॉफ्ट बॉक्स DIY, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़र इसको हम यूज़ करेंगे एज अ की लाइट, और इसके बाद आप में से किसी ने बोला था 3-point system, हाँ आप हाँ हाँ बताएं बताएं जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आपको क्या इस बारे में। की लाइट बेसिकली जो भी हमारे जो की लग के एक साइड पे जो है ना वो शैडो जो आ जाता है या अंधेरा, उसको फिल करने के लिए क्या यूज करते हैं, फिल लाइट। और तीसरी बैकलाइट, हाँ बैकलाइट, जिसको हम रिम लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट बॉक्स आ गया, इसको हमने एज आ यूज कर लिया की लाइट, की लाइट का मतलब मेन लाइट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिल लाइट। लेट्स जस्ट से आप देखें कि अगर ये यहां पर लाइट पड़ रही है मेरे 45 के एंगल से, लेट्स जस्ट से, तो यहां पर तो रोशन है लेकिन ये एरिया थोड़ा सा डार्क, आप अभी तो यहां पर लाइट है ना फिल कर रही है, लेकिन आपको अगर आप फुल कमरा अंधेरा कर देंगे जब आपने 3-point system लगाना है, आप देखेंगे आपके फोन से कितना अच्छा रिजल्ट, जो आपको तरीका बता रहा हूं, आप देखेंगे आपके फोन से कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आपने सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है घर की, ठीक है। वो ऐसे 45 के एंगल से लाइट पड़ेगी आपकी, यहां तक करीबन यहां तक पड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अंधेरा होगा, ठीक है। तो अब इसको फिल करने के लिए हम यहां से कोई फिल लाइट देंगे, ठीक है। वो एक सॉफ्ट बॉक्स भी हो सकता है, वो कोई और लाइट भी हो सकती है, ठीक है। वो कोई मैं रिंग लाइट यूज़ करता था जब मैं ली, तो मैंने टिकटॉक के लिए थी लेकिन उसको मैंने बाद में प्रोफेशनल वीडियोस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक साइड से सॉफ्ट बॉक्स आ रहा है, फिल लाइट मुझे कर रही है यहाँ से, वो सॉफ्ट बॉक्स ही होता है, कोई और लाइट हो सकती है जो आपको यहाँ से बस फिल कर दे, और वो किसी और टेम्परेचर की भी हो सकती है। अभी राइट नाउ आप देख सकते हैं इसमें आपको दो टेम्परेचर नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। वाइट है और इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट, हाँ इसको हम बोलते हैं कूल एंड वार्म, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ जो है वो कूल रख लें ब्लूइश, और हाफ जो फिल लाइट है वो आप इसको थोड़ा वार्म कर सकते हैं, ठीक है। इट्स पर्सनल चॉइस। आप फिल लाइट पर रेड ब्लू ग्रीन भी कर सकते हैं, जो कि आजकल जरा RGB ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो फिल लाइट को आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मेन लाइट, की लाइट, और उसके बाद बैक लाइट, जिसको हेयर लाइट भी बोलते हैं और रिम लाइट भी बोलते हैं, और समटाइम ये दोनों अलग-अलग भी होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कोशिश करेंगे जैसे ये लाइट है ना, ये इसके ऊपर पड़ रही है, ये इसको अपने सर की तरफ कर लें, ऐसे सीधे आपके सर के ऊपर पड़े, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आप बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह रिम लाइट आपके चेहरे पर समथिंग लाइक दैट, जैसे ये इसके ऊपर ऐसे पड़ते हुए नीचे जाएगी, तो आप बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने एक वैसे YouTube पे एक वीडियो भी बना के लगाई थी कि ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ करनी है एंड लाइट कैसे यूज़ करनी है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा शुरू में जब मैंने ट्यूटोरियल देने शुरू किए थे। जी सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो आपकी वीडियोस थोड़ी सी डार्क की तरफ जाती हैं। अच्छा, उसमें आप उसकी तरफ आते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली ये है कि पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है अब पहले जाती थी, लेकिन अब मुझे ज़रा शौक है कि मेरी ज़रा लाइट ब्राइट हो, ठीक है। अभी जो हुज़ैफ़ा है वो अक्सर लाइट सेट करता है मेरे लिए, तो वो उसको थोड़ा डार्क कर रहा, सिनेमैटिक, उसको सिनेमैटिक का शौक, थोड़े सिनेमैटिक लुक दे देता है। यहाँ पर रेड RGB लाइट आ रही है, ग्रीन आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा वो उसको थोड़ा सा ना सिनेमैटिक लुक आ जाती है, थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक आ जाती है, ठीक है। बट दैट इज़ टोटली पर्सनल प्रेफरेंस। मूवीज़ के अंदर क्या होता है, कलर ग्रेडिंग होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब वो कोई मैक्सिको का सीन दिखाते हैं, आपने हॉलीवुड मूवी सबने देखी होंगी, मैक्सिको सीन है या सऊदी अरब का सीन है या गल्फ कंट्रीज का सीन है, तो बड़ी वार्म सी लुक आती है। जैसे ही वो न्यूयॉर्क में जाते हैं वो ब्लूइश हो जाता है,
नोट किया आपने उसकी, वो बिल्कुल ब्लूइश या स्काई या समथिंग लाइक दैट, वो टोन को या मोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो आप अगर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मजाइया बातें कर रहे हैं, कॉमेडी बातें कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ज़रा ब्राइट लाइट रखें, ठीक है, ये आपकी टोन को वाजे करेगा। लेकिन आपने देखा जो जो हॉरर मूवीज़ हैं, सस्पेंस वाली मूवीज़ हैं, उसके अंदर बड़ा डार्क सा होता है, ठीक है, तो आप कहते यार बत्ती बाल है तेरी मेहरबानी कुछ नज़र, लेकिन वो टोन को जो है ना वो दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं हॉरर मूवीज़, आई नो दैट, कि उसमें वो डार्क दिखाते हैं, शेडोज डार्क होते हैं, एंड अब बाहर से दरवाज़ा खुलने की बात आई है, च्यों, अब वो एक्ट्रेस है उसको उठ के जाकर देखना कौन है भाई, ठीक है, तो उसमें वो ड्रामेटिक सीन ऐड करने के लिए उसको अंधेरा रखते हैं, रात के ज़्यादा सीन होते हैं। तो आपने अगर दूसरी मूवीज़ देखी होंगी कॉमेडी मूवीज़ जैसे बुलबुले, ठीक है, वो मैं लोकल ड्रामों की बात कर लेता हूँ, उसमें हर जगह लाइट होती है, इक्वल लाइट होती है ऊपर नीचे हर जगह, वहाँ पे कोई सिनेमैटिक्स नहीं है, यहाँ से लाइट नहीं आ रही, नीचे से नहीं आ रही, ऊपर से नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसी आप अपनी वीडियो की टोन रखना चाहते हैं, जैसे कि आप सीरियस आप बना रहे हैं, इस्लामिक वीडियोज़ बनाते हैं आप, ठीक है ना, तो आप कुछ उस तरह की टोन रख सकते हैं, आप कोई मजाहिया वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे आपने बताया मैं ह्यूमर ऐड करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट या कलर आप दिखा सकते हैं, ठीक है, तो लाइट इसमें प्ले रोल करे। अब आपने क्या करना है, एक टास्क है आपका, अपने घर जाकर ट्राई करना है अपने फ़ोन के साथ समहाउ अरेंज करें सॉफ्ट बॉक्स, फिल लाइट और एक रिम लाइट। ऐसा रिम लाइट कोशिश करें इस तरह का हार्ड शेडो वाली हो, वो सॉफ्ट ना हो, ठीक है, वो जितना हार्ड शेडो बनेगा उतना ज़्यादा वो आप बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। आपने आज घर जाके प्रैक्टिकल करना है और देखना है कि आपके फ़ोन से कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। स्टेप एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले रूम की सारी लाइट्स बंद कर देनी है। तो मुझे एक बात याद आ गई कि वो कहते ना घर आके लाइटा बंद कर दो, पर्दे नीचे कर दो, सारी लाइटें बंद किया हुआ, आप देखो मेरी कड़ी बाल दी। तो आपने घर सबसे पहले रूम की सारी लाइट्स बंद कर देनी है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपने सबसे पहले चलानी है की लाइट और एक फासले पे बैठ जाना है, उसके बाद फिल लाइट जो कि आपका जो डार्क हिस्सा है उसको फिल करे, और फिर रिम लाइट, और फिर आप देखिएगा कि आपका वही फ़ोन जिससे क्रैपी वीडियो बनती है वो 3-point लाइट सिस्टम के साथ कितनी ज़बरदस्त एक सिनेमैटिक लुक आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप ट्राई जी ये डिपेंड करता है कि उसकी थ्रो कितनी है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इसकी थ्रो इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ की जितना बड़ा साइज होता है उतनी ज़्यादा थ्रो होती है, ठीक है, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे कितने फास्ट है, मैं खुद को ज़्यादा लाइट दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा एक और उसके ऊपर आता है हनी कॉम ग्रेड का, पता है किसी को, हाँ कुछ सॉफ्ट बॉक्सेज होते हैं उसके ऊपर वो जैसे ऐसे क्रॉस में ना, हाँ वो डब्बे से बने होते हैं, उससे क्या होता है लाइट ज़्यादा फैलती नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लाइट कम फैले, सिर्फ आपके ऊपर आए बैकग्राउंड पर ना आए, तो हनीकॉम ग्रिड मिलता है, वो आप परचेज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। जी सर हम एक टेबल पे कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, लेट्स से ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, कोई क्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लाइट की सेटिंग सजेस्ट करें। उसके लिए सबसे पहले कैमरा सजेस्ट करूंगा 90 के एंगल पे, ठीक है, कोई भी आपके पास कैमरा है, हाँ टॉप ऑफ द टेबल, वो आपको मिल जाएंगे, वो जो होते हैं यस ट्राईपोड, हाँ बूम स्टैंड, ठीक है, एल शेप भी उसको बोलते हैं, और दूसरा ये कि वो ट्राईपोड होते हैं, ठीक है, वो आप उसके ऊपर लगाएं, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर लाइट कौन सी हो, दो एंगल से दें कोशिश करें, ठीक है, और सॉफ्ट बॉक्स दें, क्योंकि अगर आप हार्ड लाइट देंगे ना उसको वो आपके एनर्जी सेवर को समहाउ थोड़ा सा सॉफ्ट, जैसे तो ये सॉफ्ट ही होती है लेकिन थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर इसके लिए आप विंडो लाइट यूज़ कर लें, क्योंकि आपने बोलना तो है नहीं, अच्छा रूम में ही करना है, फिर आई वुड सजेस्ट कि 2-point सिस्टम आप यूज़ कर लें, एक लाइट इधर से 45 के एंगल से, एक इधर से, उससे क्या होगा इधर की लाइट का जो साया है वो इधर वाली लाइट कवर कर लेगी, जब आप पेंसिल से बना रही होंगी ना तो वो उसका साया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है, तो आप दो एंगल से आप ऐसे शूट करके दे, ठीक है, और देखें साया कम से कम बने, आप उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और 90 का एंगल सजेस्टेड है उसके लिए, ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन 90 के एंगल में बड़ी अच्छी वो जो है ना उसकी वो कितनी डिस्टेंस पे हो, ये वही बात उनके वाली डिपेंड करता है, अगर बहुत हार्श साया बनने लग गया तो उसको थोड़ा डिस्टेंस पे कर लें, ठीक है। अभी चूंकि मैं अब कैमरा सेटिंग की अगर डिटेल, आपने फ़ोन से बनानी है कैमरा से, हाँ फ़ोन तो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा उसको, फ़ोन कौन सा आपके पास, सैमसंग का, ठीक है,
जब आप वीडियो बना रही होंगी ना तो उसके ऊपर आप टैप करें, आपको लग रहा है कि ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है तो उसके ऊपर आप टैप करेंगी तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है उसका ना कम करने का, हाँ उसको आप टैप करके थोड़ा सा नीचे करेंगी ना फ़ोन से तो वो लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी, वो कैमरा कम, अगर आपको लग रहा है कि लाइट बहुत ज़्यादा ओवर उसको जो है ना वो कैप्चर कर रहा है तो आप उसकी फ़ोन की सेटिंग से उसको डिम कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं सबको आता है करना, फ़ोन से जब आप पिक्चर लेते हैं उस पर टैप करें और जहाँ पर आपने टैप किया वहाँ से फिंगर को थोड़ा सा नीचे कर दें, वो डिम हो जाएगा अगर आपको लग रहा है ज़्यादा लाइट है, ठीक है। तो वो आपने अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना वो चीज़ें लगानी है। एक और बात यह है कि जो वाइट सरफेस होती है ना, वाइट सरफेस के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, तो आपने उसके हिसाब से लाइट देनी है ताकि वो इतनी रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। अभी थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये हो गया फिल लाइट, उसके बाद रिम लाइट, ठीक है। रिम लाइट ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर लगा लें तो बेहतर है, ठीक है। अभी हमने बात की कैमरा की, उसके बाद हमने बात की माइक की, उसके बाद हमने बाइक बात की ये लाइट की। अभी एक और है सिचुएशन जिसके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं यार मैं वीडियोस तो बनाना चाहता हूं पर मेरे पीछे बड़ा पेंडू या माहौल है, मैं वो दिखाना नहीं चाहता, या पीछे कोई अच्छी चीज़ नहीं है मैं उसको छुपाना चाहता हूं, या समथिंग लाइक दैट, यस वी कैन यूज़ ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा जिसको हम बोलते हैं। कितने लोगों को पता ग्रीन स्क्रीन का? सबको ही पता है, किसी ने यूज़ की है? क्या प्रॉब्लम आती है? लाइटिंग की, असल में ग्रीन स्क्रीन, जी ग्रीन स्क्रीन में बात करना चाह रहे हैं, मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूं आपको, ठीक है, ओके। ग्रीन स्क्रीन आपको भी बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करके कोई और बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, कुछ ऑफिस का या कोई प्यारा सा कोई पिंक दिलों वाला, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपने कोई भी ग्रीन कपड़ा ले लेना, ठीक है, लेकिन उसका जो शेड है डैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो लाइट ना हो, थोड़ा सा डार्क हो, ठीक है। लेट्स जस्ट से कहाँ पे, हाँ ये ठीक है, ये कलर ठीक है। अब जितना इसको लाइट करते जाएंगे, पैरेट में चले जाएंगे, पैरेट में क्या होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर ये, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम ग्रीन क्यों यूज़ करते हैं कपड़ा? हाँ जी, मोस्टली आमतौर पे ही इस्तेमाल ही होता है, इसे मिल कर रही थी आई, इसके अंदर तीन तरह के कलर होते हैं, रेड ग्रीन और येलो। किसके अंदर? आग आंख में? अच्छा, तो जब शेड पड़ता है ना कोई भी वीडियो का, चाहे वो बैकग्राउंड ग्रीन हो तो उसका रिफ्लेक्ट भी आया वो आईज के लेंस से। नहीं नहीं नहीं, एनीवेज आपको तो पता होगा, सर आप कोई भी कलर यूज कर सकती हैं, आप डिसाइड करना जो आपके सेट में नहीं है, आप इसे ऑफ करना चाहते हैं। नो नो, हम इधर हम या ग्रीन यूज करते हैं या ब्लू यूज करते हैं, एनीवन एल्स? नहीं नहीं, क्यों पाकिस्तान के लोग, आप तो पूरे क्रिकेट टीम की जो है बेइज्जती कर, ठीक है जी मैं बताता हूँ। हाँ अच्छा, आप बता दें, आप जो है हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस यस यस, जो ह्यूमन स्किन है उसके अंदर ग्रीन और ब्लू नहीं है, ह्यूमन स्किन के अंदर ग्रीन एंड ब्लू कलर नहीं है। जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो ग्रीन कपड़ा रिमूव करते हैं तो उस फ्रेम के अंदर जितना भी ग्रीन स्टफ है वो रिमूव हो जाता है। आपके चेहरे पे अगर ग्रीन आपने वो झंडा बनाया होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ब्लू ब्लू बैकग्राउंड यूज करें, यस यस। हम यूजली ऐसा होता है कि मेरे साथ होता है कि लाइक जब हम शूट कर रहे होते हैं, हम मोस्टली ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हैं, तो हमारी स्पोक्स पर्सन जिस दिन वो पहन कर आ जाए ग्रीन तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। स्टार में जब नहीं पता था तो हमने वो यूज़ किया, हमने एक दफ़ा यूज़ किया, वो थोड़ा उसका ना शेड थोड़ा डिफरेंट था, वो जो लड़की पहन कर बैठी थी ग्रीन जो हमने यूज़ किया वो थोड़ा लाइट था, उसने थोड़ा डार्क पहना था, लेकिन जब हम उसको रिमूव किया ना तो एडिटिंग में वो उसका ब्राउन सूट बन गया, क्योंकि वो जो उसके अंदर शेड रिमूव हुआ ना पीछे ब्राउनिश था उसका ड्रेस रह गया। तो हमने वीडियो क्लाइंट को भेज दी, उसने प्रूफ भी कर दी, उसको क्या पता कौन सा ड्रेस पहना, उसने चलो ठीक है जो भी पहना है। उसके बाद वो कहता है कि यार जो सेम ड्रेस आपने पहना था उसका आउटडोर शूट करना तो हमने क्या आउटडोर वो ड्रेस कहाँ से ले करेंगे, तो आपने जो पहना था वही यूज़ कर लें, हमने बोला वो तो ग्रीन था। तो खैर इस तरह के इश्यूज़ बन जाते हैं, आपने जो पहना होता है उसका शेड उड़ जाता है उसके अंदर से, ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें ये या इससे डार्कर या इस तरह का कुछ हो, ज़्यादा डार्क भी ना हो ज़्यादा लाइट भी ना हो, कुछ इस तरह का हो, पाकिस्तानी झंडे जैसा हो,
ठीक है, कोशिश करें। ज़्यादा लाइट की तरफ जाएंगे तो जो ज़्यादा लाइट होता है ना उसका नुकसान ये कि उसके अंदर येलोइश टच आ जाता है, ठीक है ना। अब ग्रीन से जब नीचे करते जाते हैं तो वो येलो शुरू हो जाता है, तो वो जब आप ज़्यादा लाइट यूज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर से येलो रंग रिमूव हो जाएगा। जब आप उसको ग्रीन स्किन को रिमूव करेंगे ना तो येलोइश जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, बड़ा फीका फीका सा आपका रंग लगेगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा डार्क हो, कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वाले खरीदें। जो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था वो मेरा, चूँकि हमारी वाले साहब की दुकान थी कपड़े की, तो हमने साथ वाले वो थान उठाए थे, तीन तरह इकट्ठे करके मैंने वो लगा दिया, काम चल जाता है। कोई भी कपड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन कोशिश करें ज़रा साफ़ सुथरा हो, उसके अंदर सिलवटें कम हो, ठीक है, और बस दैट्स इट। और हाँ, रिफ्लेक्टिव ना हो। जब आपने ग्रीन स्क्रीन यूज़ करनी है या बाय करनी है या लेनी है, उसमें रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब लाइट पड़े तो लाइट अब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है। जो असद अली टीवी हैं वो बिलियर्ड वाला कपड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा है, क्या उसे कहते हैं, सॉफ्ट होता है उसके, हाँ मैट मैट है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता वो, ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि उसको हम ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज़ करें। वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। ग्रीन स्क्रीन को अपनी लाइट चाहिए, ग्रीन स्क्रीन को अपनी लाइट चाहिए। होता क्या है कि आमतौर पर हम गुजारा करने की कोशिश करते हैं कि दो ये सॉफ्ट बॉक्स यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया, और वही हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और वही हम यूज़ कर रहे हैं बैक लाइट के लिए, सॉरी ग्रीन स्क्रीन के लिए। दिस इज़ रॉन्ग। योर ग्रीन स्क्रीन शुड बी इक्वली लिट फ्रॉम ऑल एंगल्स, चारों कोनों से एक जैसे उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर वो डब खड़ब्बा सा वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ से वो ज़्यादा आ रहा है लाइट शेड, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, एक पे लाइट कम पड़ी, क्योंकि आपको वो एडिटिंग में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ग्रीन स्क्रीन है उसको दोनों, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से ये सपोज करते हैं ये ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, तो कोशिश करें कि यहाँ से एक लाइट इसको दें और सॉफ्ट लाइट दें, हार्ड हार्ड नहीं, जो फैल, एक यहाँ से दें 45 के एंगल से और एक यहाँ से। हमने क्या किया हुआ है, हमने ऊपर लगाई हुई छत पर, ठीक है, छत से हमने थ्रो की हुई है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो हमें बार बार वो उठा के सेट नहीं करने, बस जाके बटन ऑन किया, लाइट ऑन हुई, सामने खड़े हुए शूट किया, एंड वी आर गुड टू गो, राइट। तो ये दो लाइट्स हो गई ग्रीन स्क्रीन के लिए, इक्वली लिट हो गई। अब आपने क्या करना है, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग ग्रीन स्क्रीन के साथ, ग्रीन स्क्रीन के साथ लाके खड़े हो जाते हैं ऐसे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको कम से कम भी कोई 2 से 3 फुट के फासले पे खड़ा होना है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर रूम के अंदर इतनी स्पेस है कि आप ग्रीन स्क्रीन से 2 से 3 फुट के फासले पे खड़े हो सकते हैं, और उसके बाद कैमरा रखने की भी गुंजाइश है और पीछे एक बंदा खड़ा करने की भी गुंजाइश है। ये नहीं कि आप छोटे से कमरे में जो है ना उसको नहीं कर सकते, ग्रीन स्क्रीन को तंग करेगी, ठीक है। थोड़ा सा कमरा बड़ा हो, 2 से 3 फुट का फासला ग्रीन स्क्रीन से, यहाँ पर कैमरा और वहाँ पर पर्सन खड़ा, वो डिपेंड करता है लेंस कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हैं या आप वो थोड़ा जूम लेंस यूज़ कर रहे हैं। हमने लेंस पर बात नहीं की मेरे ख्याल में अभी, चलें उस पर भी हल्का सा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कैमरा की कैटेगरी में जो है ना वो आ जाती है, ठीक है जी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन स्क्रीन को ऑनेस्टली आई हैव ओनली यूज्ड 2 सॉफ्टवेयर इन माई लाइफ इसको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए। एक है कैमटाशिया, फिल्मोरा, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अडोबी प्रीमियर प्रो, ठीक है। कितने लोगों को पता है अडोबी का, ठीक है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसको इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ किया जाता है समटाइम्स, ठीक है। getintopc.com, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आपको सारे जो है ना वो सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे .com, getintopc.com, ठीक है। लेंस का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अभी दो चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक एको का, जो रूम के अंदर एको बहुत ज़्यादा है, और लेंस पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, और इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता ऑलरेडी, लेकिन वेरी इजी। प्रीमियर के लिए अच्छा आपको लैपटॉप आपका जो है ना थोड़ा हैवी होना चाहिए सॉफ्टवेयर। आप बताएं कौन सी रिक्वायरमेंट है प्रीमियर के लिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, उसमें थोड़ा महंगा काम हो जाता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं वो कैपकट यूज़ करें,
आप में से कैपकट कौन कौन यूज़ करता है? काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक और सॉफ्टवेयर है वी एन, ठीक है, कौन सा? वीटा? नहीं नहीं, उसकी सिर्फ मैंने डबर रोटी खाई है, मैंने यूज़ नहीं किया। कैपकट एंड वी एन ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टू यूज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके आप काम ले सकते हैं, ठीक है। खैर अभी वो हम उस तरफ चले गए, वापस आते हैं टॉपिक पर, ग्रीन स्क्रीन। मैं अभी खैर आपको प्रैक्टिकल करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन दैट इज़ वेरी इजी, आप इसको इजीली जाकर, जब अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वीडियो है, तो आप इसको GFX Mentor का किस किस को पता है? हाँ, उनकी एक सीरीज़ है GFX Mentor, वो मेरे भी उस्ताद है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। यस, इमरान अली दीना, GFX Mentor के नाम से उनका YouTube चैनल है, फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं यहाँ पर, आप जाकर उनकी ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, उसके जो ग्राफिक्स के सारे, Adobe इफेक्ट भी पड़ा है। यस, उन्होंने भी आईफोन 6 के साथ स्टार्ट लिया था, और आप उनकी आईफोन 6 की वीडियो देखेंगे तो आप हैरान, आप, मुझे तो नहीं पता था जब मैंने देखा। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया, ठीक है ना। तो आप सिर्फ अपनी लाइट अगर पोजीशन अच्छी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल, आपको बस मैंने एक हिंट दिया है, बाकी आप जाके सर्च करें यूट्यूब। आई मूवी जो है वो एप्पल में यूजली हम यूज़ करते हैं उसको, वो ठीक है, बट आई वुड से दैट इज़ बेसिक, बेसिक के लिए वो ठीक है, ठीक है। या अगर एप्पल में एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो फाइनल कट प्रो, ठीक है, फाइनल कट प्रो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और एक और सॉफ्टवेयर है डिविंची रिजोल्व, उसका किस किस को पता है? ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको इवन के हॉलीवुड भी यूज़ करता है समटाइम, कलर ग्रेडिंग के लिए और एडिटिंग के लिए, डिविंची रिजोल्व को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साउंड प्रूफिंग की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड प्रूफिंग कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, कोई भी सॉफ्ट चीज़ है, जैसे फोम है, कपड़ा है, फैब्रिक है, कारपेट है, ये सब एको को एब्जॉर्ब करते हैं। कोई भी फ्लैट सरफेस है, जैसे कि ये फ्लैट है, एको को ये प्रमोट करेगी, ये प्रमोट करेगी। जो जिग जैग है वो किसी हद तक उसको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ज़्यादातर उसको रिफ्लेक्ट करेगी, अगर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। तो इस रूम के अंदर मुझे बहुत कम जो है ना वो एको ट्रीटमेंट नज़र आ रही है, ये देखें। अच्छा, आप लोग बैठे हैं, थोड़ी कम है, खाली होगा तो ज़्यादा वो गूंजेगा। आपने अगर ट्राई करना कि आपके रूम में कितनी एको है, आप सिर्फ वहाँ पे क्लैप करें, क्लैप करेंगे तो आपको देखो वो इसमें बहुत ज़्यादा एको है। अब सवाल है कि उसको ख़त्म कैसे करना है एको को। देखें, सबसे पहले आप यूज़ करें कारपेट, ठीक है, कारपेट से बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा ये कि कोशिश करें कि जो आपके कॉर्नर्स हैं ना, दूसरा आप रूम अपने घर में यूज़ करना है ना, कर्टन यूज़ करें। एक खिड़की में है ना, लेकिन आप उसको और यूज़ करें, एक और लगा लें साइड पर, दीवार पे भी लगा दें आप, ठीक है। वो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक दीवार है खाली, उनकी फ्लैट थी, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा दी और उसके ऊपर कर्टन लगा दिया, ठीक है। अब वो आमतौर पे कर्टन रहता है, ठीक है, किसी को पता नहीं चलता यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। जब गेस्ट आता है तो वो ग्रीन स्क्रीन छुपी रहती है कर्टन के आगे, लेकिन जब उसमें ग्रीन स्क्रीन में शूट करना, कर्टन पीछे करता है और ग्रीन स्क्रीन शूट कर लेता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर्टन ऑलरेडी लगाए मज़ीद नहीं लगाना चाहते, तो एक वो मिलते हैं, उनको बोलते हैं अकोस्टिक पैनल्स, अकोस्टिक पैनल्स भी बोलते हैं, अकोस्टिक फॉर्म्स भी बोलते हैं। ये लाहौर से आपको निस्बत रोड से मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको द्रास पर मिल जाएंगे। अगर द्रास पर नहीं मिलते तो जहाँ से मैंने मंगवाया है वहाँ से मंगवा लीजिए, चाइना से, अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से आपको वेट करना पड़ेगा एक महीने का, हाँ एक महीने तक आपको वेट करना पड़ सकता है अली एक्सप्रेस से, लेकिन सस्ते मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, और पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कार्ड से, ठीक है। तो मैंने वहाँ से जितनी दफ़ा मंगवाया मेरा तो बड़ा, हाँ विद टैक्स, ठीक है। और अगर वो बताते हैं कि 1 से 2 महीने लग सकते हैं, 60 दिन भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। और मैंने टेलीप्रॉम्प्टर मंगवा, टेलीप्रॉम्प्टर का बताया मैंने आपको, टेलीप्रॉम्प्टर का आइडिया है किसी को?
तीन आप तो हर दफ़ा हाथ खड़ा करते हैं। अच्छा खैर उस पर भी थोड़ा सा मैं बता दूँ, टेलीग्राम बहुत बहुत मज़े की चीज़ है वीडियो कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो खैर ये मिलते हैं, ये क्या होता है, फॉर्म होता है सिंपल और कुछ इस तरह की उसकी शक्ल होती है, ये समझ ले फॉर्म है 12 इंच बाय 12 इंच का, ठीक है, एक फॉर्म सिंपल, एक इंच मोटा होता है और ये ऐसे जिग जैग इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे समथिंग वो बना होता है। तो ये क्या करता है, एक तो जिग जैग है ऊपर से फॉर्म है, ये एको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये इतना महंगा नहीं है, 3-4 हज़ार के महल 12-24 आ जाते हैं, कितना सेट आता है आपको मुझे पता नहीं, पहले तो मैंने इतने के मंगवाए थे, 12 आते हैं 3 हज़ार के, दराज पे मिल जाएंगे, हाँ दराज पे आप जाकर सर्च करेंगे कोस्टिक पैनल से कोस्टिंग फॉर्म आपको मिल जाएंगे, वो आप अपने रूम के अंदर एज अ डेकोरेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, 2-3 सेट जहाँ आपको लगता है फ्लैट्स दीवार है वहाँ पर लगा लें, और कोशिश करें कोनों को फिल करें, और छत भी अगर फ्लैट है तो वहाँ पर भी कुछ लगा दें, ठीक है। सिंपल आप इसको टेप के साथ, डबल टेप के साथ, किसी चीज़ के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत लाइट से होते हैं, तो ये आपकी जो एको की प्रॉब्लम है बहुत हद तक जो है रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। कारपेट, कर्टेंस और ये फॉर्म, ये सस्ता सोल्यूशन है, ठीक है। इससे फिर महंगे सोल्यूशन बहुत महंगे हो जाएंगे, ठीक है, वो स्पेशल कोस्टिक पैनल्स बनते हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल कौन सा था आपका, सर, लोकल में आपने निस्बत रोड बताया, निस्बत रोड पूरी कैमरा मार्केट है, आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। टाइमिंग का टेलीप्रॉम्प्टर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग होते हैं उनको कैमरा के सामने बोलने में प्रॉब्लम फेस आती है, ठीक है। लेस जैसे आपने 5 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है, आप में से कौन वीडियो बनाते हैं, आप बनाते हैं 5 मिनट की वीडियो, आप कितना टाइम लगेगा आपको, सब पे वैसा तो स्टॉप भी करना पड़ता है, हाँ आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है इजीली। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको 5 मिनट की वीडियो लेस जैसे अगर आप आधे घंटे में बनाते हैं वो 10 मिनट में बन जाएगी। टेलीप्रॉम्प्टर क्या है, ये बेसिकली न्यूज़ कास्टर यूज़ करते हैं, आपने देखा जो न्यूज़ पढ़ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल लेस जैसे वो कोह हिमालया के इतने हज़ार ऊंचे पहाड़ों में इतने फुट की बुलंदी पर मतलब स्टैट्स बता रही होती है। पहले मैं बचपन में सोचता था यार ये याद कैसे करते हैं, आपने देखा होगा जुवेद चौधरी को, तो कुस्तु दुनिया के एक इलाके में वहाँ पर समथिंग इतने अरब साल पहले ये वाकया हुआ था, तो मैं कहता था यार ये याद कैसे रखते हैं इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स। देन आई लेटर केम टू नो कि दे यूज टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है। अब टेलीप्रॉम्प्टर क्या है कि वो एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर स्क्रिप्ट चल रहा होता है, लाइव कैप्शंस और चीज़ है, वो कैमरे की जो आप सामने ये कैमरा देख रहे हैं उस कैमरे के ऊपर फिट होगा और आप कैमरे के लेंस के अंदर देख रहे होंगे और सामने स्क्रीन चल रही होगी। तो जो न्यूज़ कास्टर है वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं न्यूज़ रीडिंग के लिए, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो गलत बोल जाते हैं कुछ लफ्स को, बोल देते हैं लेकिन गलत बोल देते हैं समटाइम, ठीक है, वो इसलिए वो रीड करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो गुड थिंग इज़ दैट कि आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो उनके टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं न्यूज़ वाले वो बहुत महंगे लाखों में होते हैं, हमारे जो हैं वो सस्ते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई 20-25 हज़ार के अराउंड मिल जाता है इतने का, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो अली एक्सप्रेस से मंगवाया था मुझे 20-1 हज़ार का पड़ा था, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ बेस्ट। उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने बोलना है वो सबसे पहले आप स्क्रिप्ट लिख लें, टाइप कर लें, आई वुड से टाइप कर लें और उसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालें जो आप अपने टैब के अंदर या आईफोन के अंदर करते हैं या फ़ोन के अंदर, उस फ़ोन को आप टेलीप्रॉम्प्टर के साथ अटैच करेंगे, उसकी रिफ्लेक्शन जाएगी उस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर और आप दिस वे कैमरे के लेंस के अंदर आंखें डालकर वो स्क्रिप्ट रीड कर रहे होंगे और जो ऑडियंस है उसको नहीं पता चलेगा कि आप रीड कर रहे हैं या फिर आप इनके आप देख के पढ़ रहे हैं या डायरेक्ट आंखों में आके। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा चल रहा है और आइज़ उनकी जहाँ पर होती हैं ऐसे स्क्रीन में देख रहे होते हैं ऐसे पीछे देख, आज मैं बताने जा रहा हूँ लेकिन कैमरा सामने होता है, राइट। तो टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से आप आँखों कैमरे की आँखों में आँखें डालकर स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, उसमें एक मिस्टेक के चांसेस कम है, टू द पॉइंट आप बोलेंगे, बड़े बड़े स्टैट्स एंड फिगर्स आप उसके अंदर बता सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा व्हाट इज़ टेलीप्रॉम्प्टर, जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है डेस व्यू, इसकी एप्लीकेशन है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, निस्बत रोड से आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो ये 20-25 हज़ार के अराउंड इसकी प्राइस है, लेकिन ये कि जिन लोगों को कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है, स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वो ये यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो में अपनी ज़िंदगी जो है ना वो आसान कर सकते हैं, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और अभी आपके क्वेश्चंस हैं, आई एम हियर. आप अभी जो हमारे पास 5 मिनट है उसमें क्वेश्चन कर लें सेशन के, और सेशन के बाद भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं बाहर अवेलेबल हूँ. जी, 30 सेकंड की वीडियो को मुझे 30 दफा शूट करना पड़ता था, एक लंबा कंटेंट और रिसर्च का वो. हाँ, मुझे अच्छा लगा कि ये बड़ी आसानी है. हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर. जी, और वो एक दफा मैंने रिपीट किया, फिर 3 साल की बेटी भी सुन सुन के पकी होगी. इस कला वाले फरमाते हैं कि शुरू हो जाती है. और जैसे वो शाहरुख खान की मूवी शायद आपने देखी हो, कि वो भगवान का एक अवतार था, वो आया, वो पुलिस वाला सीन शायद आपने देखा, वो बार बार एक डायलॉग बोलता है. नहीं मेरे हर अभी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. हाँ, मेरा चैनल नेम आप देख लें, आप इसको नोट कर लें, और 18+ है. सॉरी, मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, YouTube पर आपको उमर सलीम के नाम से मिल जाएगा. Instagram, ठीक है, ये Instagram है. Snapchat तो मैं खैर यूज़ करता हूँ लेकिन कोई ख़ास नहीं. TikTok यार पुरानी ना देखिएगा. बस ऊपर ऊपर वाली देख लीजिएगा. उमर सलीम डॉट ऑफिशियल ये टिकटॉक पर आपको मिल जाएगा, और सेम फेसबुक के लिए भी है. जी, ठीक है, ये यूट्यूब पर आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बेसिकली मेरे हैंडल है. जी, आप शॉर्ट्स जो हैं वर्टिकल में बनाएं, ठीक है, उसको आप अपलोड करें टिकटॉक पर. टिकटॉक वैसे तो क्रिंज प्लेटफॉर्म है लेकिन अपने इस तरह के टैलेंट के लिए बहुत अच्छा है. और आप अगर उस पर ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करें वीडियो बनाकर. आप फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो 5 मिनट में बनी है या 10 मिनट बनी है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके 1 मिनट में कर दें. ठीक है, और जब स्टार्ट लेंगे लाइट अच्छी होगी, जैसे आपको मैंने बताया वो आप लाइट रखें. ठीक है, कैमरा कोशिश करें कि आपके ऊपर से इस एंगल से आए, यहाँ से लाइट्स, यहाँ से कैमरा. जब आप उसके अंदर ड्राइंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में आपने ड्राइंग कंप्लीट की है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके उस वीडियो को 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करें. ठीक है, और उस वीडियो को जब अपलोड करें तो कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग उसके पीछे लगा दें. बस वो डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पर. जैसे मेरी ऑडियंस, आपको डेमोग्राफिक्स जो मिलते हैं ना उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस टाइम. मेरी ऑडियंस ज़्यादातर वैसे आमतौर पर 9-10 बजे ऑनलाइन होती है रात के. ठीक है, तो आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स में आपको पता लग जाएगा आपकी ऑडियंस ज़्यादातर किस टाइम होती है. तो आप उसके हिसाब से, हर एक डिफरेंट होती है, किसी की सुबह बैठती है, किसी की रात को, किसी की. ठीक है, तो आप स्टार्ट टिकटॉक से लें और भी शॉर्ट्स यूट्यूब पर डालें. ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू. उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस सेशन से. ठीक है, तो बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आफ्टर सेशन जो है ना आप मुझसे मिल सकते हैं. अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पर हूँ, तो थैंक यू सो मच.